हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने की है रेडमी एस टू की अनबॉक्सिंग। अगली वाली यानी जो वीडियो मेरी नोट फाइव और रेडमी एस टू में दोनों में डिफरेंट बताऊंगा, दोनों में क्या क्या फ़र्क दिया गया है कि आपको कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए, अगर एस टू बाय करना चाहिए या रेडमी नोट फाइव बाय करना चाहिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए इस वीडियो पर। अभी चलते हैं हम एस टू की अनबॉक्सिंग की तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान अली, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टेक फाइंडर। तो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ रेडमी एस टू की, जो कि पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है 1 ईयर की वारंटी के साथ। एयर लिंक इसकी वारंटी आ रही है पाकिस्तान में 1 साल की वारंटी के साथ। ये रेडमी एस टू अब लॉन्च हो चुका है, जो कि ऑफिशियली आपको मार्केट में इजिली देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें दो वेरियंट आ रहे हैं, इसमें एक 4 GB और 64 GB आ रहा है और एक इसमें आ रहा है 3 GB और 32 GB। तो दोस्तों, रेट इनका बताता चलूँ, 4 GB 64 GB वाले का रेट है 27,500 रुपये रेट, और 3 GB 32 GB वाला उसका 23,000 कुछ समथिंग रेट है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर दिए गए। इससे पहले मैं रेडमी नोट 5 की अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, जो कि आपको आई बटन में और इसकी प्लेलिस्ट में मिल गई होगी। चलिए हम इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर दिए गए हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इससे होगा मेरी लेटेस्ट आने वाली जो वीडियो होगी आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं Redmi S2 बॉक्स। बॉक्स के पीछे इसका लिखा हुआ है जी 16 मेगापिक्सल कैमरा LED सेल्फी लाइट, 12 मेगापिक्सल कैमरा प्लस 5 मेगापिक्सल कैमरा, 5.9 HD डिस्प्ले, 18.9 रेटियो। आगे इसमें लिखा हुआ है जी कॉलकॉम, इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है 625 का प्रोसेसर दिया गया है। इसमें हम टाइम ज़्यादा ना करते हुए जल्दी से कर लेते हैं इसे अनबॉक्स। 4 GB और 64 GB। तो दोस्तों, हमारा फ़ोन होने जा रहा है ओपन। तो आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट प्यारी सी लुक, जो कि हमें सबसे पहले ही मिल जाती है। हमारा प्यारा सा फ़ोन हमें सामने ही मिल जाता है, हम इसे बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक ऑसम, गोल्डन कलर का है ये। साइडों पे इसके बॉर्डर लाइन दी गई है, फ्रंट पे इसके पेपर लगा है। हम इसको एक साइड पर रखते हैं, पहले एक्सेसरी दिखा दूँ इसके अंदर कंपनी ने क्या क्या एक्सेसरी दिया, क्या क्या आपको इसमें मिलता है देखने को। तो हम निकाल लेते हैं अपने इस बॉक्स को बाहर। तो इस बॉक्स के अंदर दोस्तों देखते हैं जी, तो इस बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक सिलिकॉन केस, जो मोबाइल को प्रोटेक्ट करेगा, स्क्रैच से बचाएगा। साथ में हमें मिलती है एक यूज़र मैनुअल गाइड बुक, जो हमारे किसी काम की नहीं। आगे हमें मिलेगा इसमें चार्जर, जो कि चार्जर देख लेते हैं कितने एम्पेयर का दिया गया है। दोस्तों जी, चार्जर 2 एम्पेयर का दिया गया है। साथ में आपको मिलती है एक डाटा केबल, ये सी टाइप नहीं है, सिंपल जो चल रही है वो है इसके अंदर। और हमें देखने को मिलता है सिम इजेक्टर टूल, जिसे हम सिम बाहर निकाल सकते हैं। तो हम रख लेते हैं इसे एक साइड पे। इसके अंदर हैंड फ्री नहीं आती, शोमी अपने मोबाइल में हैंड फ्री नहीं देता। आप उस पर देख सकते हैं एक प्यारा सा लगा हुआ है पेपर, जिसको उतारने के लिए सब बेताब होते हैं देखने के लिए, प्यारी सी फील देता है ये उतारता है, इसका अपना ही मज़ा होता है उतारने का। तो ये देखें, ये उतरा, वाओ वेरी नाइस फ़ोन। तो हम इसे कर लेते हैं ऑन। MI.com, इसका फ्रंट वाइट दिया गया है, बैक दी गई है वो है गोल्डन, बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल कैमरा। जब तक मेरा फ़ोन ऑन हो रहा है, मैं क्यों ना इसकी फिज़िकल लुक की बात कर लेता हूँ। एक साइड पे आपको देखने को मिलता है इसके वॉल्यूम बटन अप, वॉल्यूम बटन डाउन, पावर बटन। नीचे आपको मिलता है एक ये माइक दिया गया है, ना कि स्पीकर है, ये वाला स्पीकर दिया गया है, ये वाला माइक है, ये स्पीकर है। एक से आवाज़ जाएगी कॉल के दौरान, एक से कोई भी वीडियो साउंड प्ले करेंगे उसमें आवाज़ आएगी। ये साथ मिलती है आपको चार्जिंग। दूसरी साइड पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मिलती है सिम ट्रे, जहाँ पे आप अपना मेमोरी कार्ड और सिम डाल सकते हैं। मैं आपको इसकी एक्सेसरी की मदद से, जो इसमें एक सिम इजेक्टर टूल दिया गया है, वो बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने के बाद उससे मैं ये खोलूँगा, इसको अंदर डालना है अपने, ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। जैसे आप प्रेस करेंगे तो ये हमारा बाहर आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसके अंदर आप एट अ टाइम 2 सिमें और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं इजीली। तो हम इसे डाल लेते हैं वापस मोबाइल के अंदर। तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, हम जल्दी से कर लेते हैं इसका सेटअप। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, वेरी नाइस। इसकी जो फर्स्ट लुक डिस्प्ले की आप देख सकते हैं, फुली बजल लेस इसका डिस्प्ले दिया गया है, बिल्कुल ही इन्फिनिटी डिस्प्ले जिसे बोलते हैं। अंदर ही इसके मिनिमाइज़ का ऑप्शन सब कुछ है, बैक पे इसे कुछ नहीं दिया गया। मैं अब कर लेता हूँ इसके कुछ फीचर की बात जो इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करूँगा सीरियल डिस्प्ले की। डिस्प्ले दोस्तों इतना देखिए, IPS LCD कैपेसिटिव टच स्क्रीन दिया गया है। इसमें
5.9 इंच का जो डिस्प्ले दिया गया है, 720x40x40 पिक्सल, 18.9 रेशो, जो इसकी पी पी आई डेंसिटी दी गई है वो 269 दी गई है। पी पी आई डेंसिटी जो होती है, इसमें जो सॉफ्टवेयर दिया गया वो पीछे से कंपनी ने 8.0 ओरियो का दिया है। इसमें जो प्रोसेसर है वो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन दिया गया है 625, इसमें दिया गया ऑक्टा कोर 2.0 इसमें प्रोसेसर दिया गया है। दोस्तों आप इसमें 256 GB तक कार्ड डाल सकते हैं, ये 256 GB तक कार्ड इजीली सपोर्ट कर लेता है। इसमें वेरिएंट आ रहे हैं 8 GB और 32 GB, 4 GB और 64 GB, ये इसमें दो वेरिएंट अवेलेबल हो रहे हैं। कैमरे की बात करते हैं, इसका बैक कैमरा जो दिया गया है 12 MP 2.2 अपर्चर के साथ और 5 MP 20 अपर्चर के साथ। तो हम देख लेते हैं इसका कैमरा। इसमें बैक के कैमरे में बैकग्राउंड पे जो होती है ना ब्लर मोड वो दी गई है, आप इजीली इसमें ब्लर मोड यूज़ कर सकते हैं, किसी की भी तस्वीर खींचेंगे उसमें ब्लर आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कैमरा। आगे मज़ीद फीचर की बात कर लेते हैं। फ्रंट कैमरे में दोस्तों इसका 16 MP कैमरा HDR इसमें दिए गए, 1080p ये वीडियो बनाता है। आगे हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर रेडियो, FM, USB सब कुछ दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, इसमें एक्सलोमीटर, गायरो, प्रोग्रिमिटी, कंपस, इस टाइप के इसमें सब प्रोसेसर जो सेंसर होते हैं वो मौजूद है। इसकी बैटरी इसकी 3080 mAh जो कि बहुत ही आला है। बैटरी ग्रे कलर, गोल्ड, रोज़, इसमें इस टाइप के कलर आते हैं। इसका जो रेट चल रहा है 150 यूरो आवर वर्ल्ड में, जो पूरी दुनिया में इसका रेट है वो ये ही चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इसकी प्यारी सी लुक। अभी मैं इसका कैमरे का टेस्ट भी करूँगा, काफ़ी सारा टेस्ट करूँगा, फिर आपको बता दूँगा ये फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी है। वरना इसके अबाउट में कुछ इस तरह के फीचर मिलते हैं, नोटिफिकेशन बार नीचे कर लेते हैं, कुछ आपको इस तरह का देखने का मिलता है। स्वैप साइड में स्वैप कर सकते हैं आप इजीली, फाइल मैनेजर है, फिंगरप्रिंट। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली लेटेस्ट एंड फ्रेश वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।